अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़र हैं। दोस्तों, मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल का ऐलान कर दिया। दोस्तों, पीसीबी ने मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच जबकि वकार यूनस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद डिस्कशन करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट रोज़गार को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, मिसबाह उल हक को 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बना दिया गया। दोस्तों, जबकि वकार यूनस भी बॉलिंग कोच के ओहदे पर 3 साल तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। दोस्तों, पीसीबी के मुताबिक मिसबाह उल हक और वकार यूनस की कौमी क्रिकेट टीम के हमरा पहली असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी। दोस्तों, इससे कबल जराए ने बताया था कि कप्तान सरफराज अहमद को एक रोजा और T20 टीम का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। दोस्तों, जबकि टेस्ट टीम की कप्तानी भी मिल सकती है। दोस्तों, रवा माह श्रीलंका के खिलाफ महदूद ओवर की सीरीज में सरफराज अहमद ही कप्तानी करेंगे। दोस्तों, क्या T20 को सरफराज अहमद को ही कप्तान रखना चाहिए? हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप क्रिकेट की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।